हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आप टिकटॉक पे प्रोफेशनल व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो कैसे बना सकते हैं, जो कि टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। इस टाइप के वीडियो बनाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले आपको ग्रीन स्क्रीन में वीडियो को शूट कर लेना है। शूट करने के बाद वीडियो का डिस्क्रिप्शन में काइनमास्टर एप्लीकेशन एक बैकग्राउंड इमेज का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे और वहाँ पे बताता हूँ सेटअप बाई सेटअप तरह के प्रोफेशनल व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो कैसे बना सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार आते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता रहता है। तो आपको डिस्क्रिप्शन से काइनमास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, 16:9 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है, मीडिया पे आना है, जो हमने डिस्क्रिप्शन से वीडियो को डाउनलोड कर रखे हैं उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है, जो हमने नॉर्मल मोबाइल फ़ोन से वीडियो शूट कर रखे है ग्रीन स्क्रीन में, उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर वीडियो सेलेक्ट कर लिया हूँ। वीडियो आपको शूट कैसे करना है, आपको एक मोबाइल फ़ोन में सॉन्ग को प्ले कर देना है और दूसरे मोबाइल फ़ोन से वीडियो को आपको शूट कर लेना है उस सॉन्ग के अकॉर्डिंग। इसके बाद वीडियो के लेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको क्रोमा की पे क्लिक कर इनेबल कर देना है। वह कलर की पे आना है और यहाँ पे आपको ग्रीन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ से आपको सही तरह से एडजस्ट आपको कर देना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा बिल्कुल रिमूव हो चुका है। अगर नहीं हटता है तो यहाँ से आप बिल्कुल सही तरह से एडजस्ट आप कर सकते हैं। इसके बाद डन कर देना है, फिर इस वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है और इसे आपको साइड में लेकर आना है। इस तरह से यहाँ से जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं और यहाँ पे आपको एडजस्ट कर लेना है। इसके बाद वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है। यदि वीडियो में कोई एक्स्ट्रा पार्ट है तो वीडियो को आपको एक बार प्ले कर सुन लेना है। इसके बाद वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है, कैंची के निशान पर क्लिक करना है और ट्रिम टू लेफ्ट कर देना है। वीडियो को लास्ट प्लान पर आना है। यदि कोई लास्ट का कोई एक्स्ट्रा पार्ट है तो वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है, कैंची के निशान पर क्लिक करना है और ट्रिम टू राइट कर देना है। इस तरह से वीडियो में जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा वो रिमूव कर सकते हैं। आपको करना क्या है, यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड भी आ चुका है और इसके बाद जो मैंने ग्रीन स्क्रीन में वीडियो शूट कर रखे हैं वो भी वीडियो यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद लेयर पर आना है, मीडिया पर आना है और यहाँ पर आपको जिस सॉन्ग पर आपने वीडियो शूट की है उस सॉन्ग को आपको ऐड करना है। यहाँ पर डायरेक्ट आइडियो से भी ऐड कर सकते हैं या फिर लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। इसके बाद उस वीडियो को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद कैंची के निशान पे क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट आइडियो कर देना है, वीडियो के लेयर पे क्लिक करना है और इसे आपको डिलीट कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आइडियो भी आ चुका है। आपको करना क्या होगा, इस वीडियो को और इस आइडियो को मैच करना होगा। तो आपको ये देखना है आपको यहाँ से स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट पर बिल्कुल लेकर आना है। जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा तो बिल्कुल यहाँ से ट्रिम टू लेफ्ट कर देना है। इसी तरह से आपको फिर से हमें इस आइडियो वाले सॉन्ग को प्ले कर सुनना है। जो भी एक्स्ट्रा पार्ट लग रहा है जहाँ से आपका मैच कर रहा है यहाँ से आपको इस पर क्लिक करना है, कैंची के निशान पे क्लिक करना है, ट्रिम टू लेफ्ट कर देना है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है काफ़ी। तो यहाँ पर हमारा लगभग यहाँ पर मैच हो चुका है। इस तरह से आपको मैच कर लेना है 2 से 3 बार प्ले कर। इसके बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट है एक्स्ट्रा पार्ट को आपको ट्रिम टू राइट कर देना है। और इसके बाद क्या है, आपको वीडियो प्ले कर सुनने हैं। जहाँ से आपको गाना स्टार्ट हो रहा है वो आपको यहाँ पे टाइप करना है। पहले मैं एक बार प्ले कर देख लेता हूँ। वो देख सकते हैं यहाँ से हमारा गाना जो है स्टार्ट हो रहा है। सिंपल पी लेयर पे आना है और यहाँ पे आपको टेक्स्ट पे आना है। तो यहाँ पे आपको जो गाना आपको जिस तरह से आपको सुन रहे हो तो वहाँ पर गाना आपको टाइप कर देना है। इसके बाद यहाँ से आपको ओके कर देना है। इसके बाद इसको आपको प्रेस करके रखना है और इसका आपको यहाँ से लेकर आ जाना है और यहाँ पे आपको इस फाउंड पे क्लिक करना है। आपको यहाँ से बोल्ट कर देना है। इसके बाद आपको अगर अदर फाउंड चाहिए तो सिंपल इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे काइनमास्टर स्टोर पे आना है और यहाँ पे आपको बहुत सारे फाउंड मिल जाएगा, तो आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ तो सिंपल हम इसे पर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद डन करते हैं। इसके बाद इन एनिमेशन में आना है और यहाँ पे आपको जो भी आपको लग रहा है बढ़िया अपने हिसाब से यहाँ पे आपको एडजस्ट कर लेना है। तो सिंपल मैं आपको लेटर बाय लेटर कर देता हूँ, आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि हमारा ख़त्म हो रहा था आपको सेकेंड आपको लेकर आना है, तो इस पर क्लिक करना है।
थ्री डॉट पे क्लिक करना है, यहाँ पे डुप्लीकेट लेना है, इसके बाद इस पर क्लिक करना है, इसके बाद कैंची के निशान पे क्लिक करना है, ट्रिम टू राइट कर देना है, इसके बाद सेकेंड लाइनिंग हमारा यहाँ से स्टार्ट करना है तो इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक कर देना है, और इसे हमें एडिट कर कर जो भी हमें लिखना है लिख सकते हैं। और इस तरह से आपको यहाँ से जूम कर लेना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे देखने में काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। इस तरह से आपको लेयर पे आना है, टेक्स्ट पर आकर आप ये बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं, यहाँ पे आपको टाइम देना पड़ेगा। यहाँ पे कलर पे आना है, यहाँ पे कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसे आपको ज़्यादा बेहतरीन बनाने के लिए इस पर क्लिक करना है और नीचे आना है, यहाँ पे आपको ग्रो हो गया, आउटलाइन हो गया, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड आपको इनेबल नहीं करना है, बैकग्राउंड भी आप कर सकते हैं बट लेकिन आपको बैकग्राउंड करना चाह रहे तो कर सकते हैं। अगर बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है तो इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आप बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकते हो, तो देख सकते हो काफ़ी बेहतरीन लग रहा है देखने में। तो सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करना है, स्टार्टिंग पॉइंट या लास्ट पॉइंट पर इमोजिंग देना है तो आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक कर देना है और जो भी चाहिए आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो यहाँ पर वीडियो को अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना है जो भी ज़रूरत हो उस हिसाब से आपको, ठीक है। और होता क्या है, जब हमारा वीडियो कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ लास्ट पॉइंट में जो होता है हमारा जो साउंड जो है स्लो हो जाता है, तो इसको आपको करना क्या है, सिंपल इस सेटिंग पे क्लिक करना है और ऑडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है, तो हमारा जो साउंड जो था वो भी स्लो अप नहीं होगा, तो हमारा वीडियो लगभग यहाँ पर तैयार हो चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है, सेटिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है और हमारा वीडियो जो है यहाँ पे पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल साइलेंस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको किसी भी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं।